शिफॉन पर मैं फिर पूरे 4 महीने से वेट कर रही थी। यह है मेरी रूम ट्रांसफॉर्मेशन एंड रूम डेकोर आइडिया फॉर यू। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें अपना रूम ट्रांसफॉर्म करूँगी उन चीज़ों से जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, एंड आपको भी बताऊँगी वो कैसे बनानी है। ओके, एंड आप देखोगे अगर DIY चैनल्स पे वो चीज़ें मतलब जो आपको रूम डेकोर के डालोगे रूम डेकोर आइडियाज़, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें वो यूज़ करने के लिए बोलेंगे जो आपको आपके घर में मिलेंगे ही नहीं। बट मैं ऐसी ऐसी चीज़ों से जो है रूम डेकोर कर दूँगी अपना कि जो आपको अपने घर पे भी मिल जाएंगे और आपको ईजी भी पड़ेगा। सो अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोज पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल रेड से ग्रे, ये तो पिंक से ग्रे था, बड़ा रेड से ग्रे हमेशा रखना, एंड कमेंट्स बताना अब मैं आपके और कौन कौन सी वीडियोस बनाऊँ। सो फिर तब थोड़ा अभी मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ बनाऊँगी। तब फिर थोड़ा टाइम लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। मेरे पीछे कैनोपी दिख रहा था, मैंने सबसे पहले ये नहीं बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सबसे पहले बनाया था ये फोटो फ्रेम जो है शिनचान थीम में। आप देख फैमिली फ़ोटो पे जो है शिनचान है, ये आप यहाँ इसकी पूरी अच्छे से फ़ोटो देख लो, फोटो फ्रेम की अच्छा लग रहा है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ ये जो ऐसी टाइप की स्टिक्स होती है ना, इनसे कोई भी फ़ोटो फ्रेम आपको बनाते हो यूट्यूब पर कोई नहीं दिखेगा, वो सिर्फ लंबी लंबी स्टिक्स से बनाते हैं। तो इसको पहले तो आप स्टिक्स को जिस कलर में भी आपको कलर करना है आप कलर कर लो, मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ डालती हूँ कलर कर लो। उसके बाद जो है स्टिक्स को ऐसे फेविकॉल से ऐसे जोड़ दो एक पे एक, एंड देन जो है ये जो है ना ये फ़ोटो इन पे धागे लगा लो और फिर उन धागों को स्टिक्स से जोड़ दो पीछे की साइड से, एंड फिर बस शिनचान के ऐसे स्टिकर बनाए थे मैंने शिनचान मसाओ उसकी पूरी फैमिली के, सो उसे जोड़ दो स्टिक्स पे ताकि वो और ब्यूटीफुल सा दिख सकता है। एंड बस ये मेरी पूरी फैमिली की फ़ोटो है, ये मैं भैया मम्मी और पापा और एक फैमिली फ़ोटो सबसे ऊपर जिस जहाँ पे शिनचान है। सो या बस ऐसे ही मैंने और फिर ये पीछे से इन्हें ऐसे जोड़ दो धागे की हेल्प से, धागा जो है वो पर्पल कलर का था मैंने इसे रेड किया है। सो बस सो गई ये हमें सेकेंड चीज़ ही, मैंने सेकेंड नहीं बनाई है, सेकेंड तो मैंने कुछ और बनाया। ये भी एक और शिनचान थीम है एक्चुअली, मैं इस पर यहाँ पर ना वो ये ब्लैक है तो मैं इस पर शिवा ऐड करने वाली हूँ, अभी एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया बनाने का। तो ये है मेरी एंट्रेंस के लिए जो मेरे रूम के बाहर गेट है उस पर लगाने के लिए वेलकम टू ख्वाहिश रूम, ब्यूटीफुल है ना। सो ये ऐसा सेम बस वो पेपा पिक के यहाँ पे पेपा पिक का स्टिकर था आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पे नहीं किसी ऐप पे वो बेच रहता है ऐसा सेम ही, वो 1200 रुपये का था और मैंने देखो 0 रुपीज़ में बना दी। ये कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया, मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप कार्डबोर्ड पर ऐसे काट लो क्रॉस के निशान में, देन उसको कलर कर लो, एंड देन इस पर ऐसे पेंसिल की हेल्प से ऐसे डिज़ाइन बना लो यहाँ पे नीचे नीचे और फिर उस पर कलर कर लो, उसके लिए आपको पेंटिंग अच्छी मिल जाए और पतले वाले ब्रश से करना, मैंने ये वाला पतले वाला से नहीं किया तो ये अच्छा नहीं बनाया, बट ये सारे देखो सो ओके। एंड ये जो आप सोचोगे कि इस वाली पेंटिंग में ये जो 1200 रुपये का इस पर ये तो नहीं है, पहले मैं ये बनाने वाली थी, ये देखो इस पर तो वो है ना ये ऐसे, बट फिर मैंने चेंज कर दिया इस सोया सुंदर है ना। ओके तो आपको ये लाइंस लगाने की कोई खास बात नहीं। तो जो थर्ड चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरा नाम के है तो ये के लेटर से, अगर आपका नाम कुछ और हो उसका फर्स्ट लेटर के हो मगर के नहीं कुछ और हो तो आप वो भी बना सकते हो, मेरा नाम है ख्वाहिश सोया देखो सुंदर है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले आप कार्डबोर्ड को जी के उससे काट लो, एक्चुअली मैंने ये अपनी उससे लिया है मेजरमेंट से ऐसे काटा है, वरना यूट्यूब पे जब मैं देख रही थी ना कि केक कैसे काटूँ मैं तो फिर वो बहुत छोटा छोटा केक कटवा रहे थे तो मैंने उनको बड़ा अपनी वॉल पे लगाया था, तो यहाँ ये देखो मैं ऐसे करा था आपको दिखाना होगा इसमें, एंड काट लो ऐसे कार्डबोर्ड को एंड देन उस पर टेप लगा दो, फिर ग्लू लगाओ और ग्लिटर लगाओ हो गया। मैंने इस पर वाइट पेंट नहीं किया क्योंकि मेरे पास वाइट पेंट ख़त्म हो गया था, मैं पेंटिंग बहुत करती रहती हूँ,
यार, एंड मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप क्या करना कि जैसे ही आप ग्लिटर लगा दो ना फेविकॉल के ऊपर, वैसे ही टेप हटा देना, नहीं तो टेप और ग्लू चिपक जाएगा और आपका कार्डबोर्ड फट जाएगा। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है कुछ, जब मैं स्टार्टिंग में ये करी थी यहाँ पे, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये हमारी फोर्थ चीज़। सॉरी, ये मेरा हैंड का प्रिंट। एक्चुअली आप अगर बेस्ट ऑफ लक नेकी देखते हो तो उसमें डॉली के रूम में भी ऐसा हैंड का प्रिंट लगा होता है, एंड वो रूम में ना बड़ा सुंदर सा लगता है। मेरा रूम जैसे पूरी वॉल्स जो है वाइट है, तो मैंने ये कलरफुल बात अच्छी से मैंने डार्क डार्क कलर्स में बनाया ताकि वो रूम वाइट से थोड़ा अच्छा सा उभर गया है। सही, देखो सुंदर लग रहा है ना। देखो ग्लिटर से मैंने इसका फ्रेम बनाया, ये पेपर से ही बनाया है। एंड ये तो मैं आपको कहते रहा हूँ, फ्रेम तो आपको बनाना नहीं आता है का, एंड बस आप अपने अलग अलग उंगलियों पे अलग अलग कलर कर देंगे छाप दो। एंड एक काम करना, जब पूरे कलर्स हो जाए ना तो उन पर थोड़ा सा ना पानी भी लगा लेना ब्रश की हेल्प से, ताकि वो अच्छे से कलर छप जाए, नहीं तो कलर सूख जाते हैं। ओके, सो ये दोनों फर्स्ट चीज है, ये मेरी पेंटिंग है, इसकी तो मैंने वीडियो भी बनाई है, माई फर्स्ट मून लाइट सीनरी पेंटिंग, जब मैंने पहली बार सीनरी पेंटिंग बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखना, इस वीडियो को खत्म होती ये वो है। एंड ये पेंटिंग तो सीरियसली, इस पेंटिंग को बनाने में मुझे लगे आधा घंटा, वीडियो तो खैर 10-12 मिनट की है, बट आधा घंटा। एंड इस पेंटिंग को बनाने में आप मानोगे मुझे 3 घंटे लगे हैं। सी, आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैंने जिसकी देख के बनाई है। ओके, मैंने उनकी कुछ ऐसी, ओके सही है, सुंदर है ना। सो मैं ये दोनों अपनी वॉल पे लगा। ये हमारी फिफ्थ चीज़, ये मैं सॉरी मैं हर चीज़ उल्टी क्यों पकड़ रही हूँ। ये हमारी, ये मेरी छुटकी सी फोटो है, एंड मैंने इस पर कार्डबोर्ड की हेल्प से फ़ोटो फ्रेम बनाई है, फ़ोटो की हेल्प से बनाया है मैंने ये। आप खुद बना लोगे, मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ। सो एंड फिर मैंने ग्लू लगाई एंड फिर उस पर ग्लिटर लगाई। ये देखो, ये साइडों में मैंने लिखा है। सो सुंदर है ना। एंड कार्डबोर्ड पे पहले मैंने प्लास्टिक का ये चिपका लिया और फिर मैंने ये फ़ोटो चिपकाई है, दिख रही होगी आपको। हमारी सिक्स चीज, ये दोनों मेरी बचपन की फ़ोटो है, इस पे एक पे मेरे भैया हैं और एक पे मैं अकेली। एंड सुनो, अब आप लोग सोचोगे ये तो मैंने नहीं बनाया, बट ये ना मैं बेड पे चीज़ें ढूंढती रहती हूँ, तो इस वजह से तो मेरे को ये भी मिल गई, तो मैंने सोचा इन्हें भी ऐड कर दूँगी अपने रूम पे, तो रूम और सुंदर लगेगा। एंड हाँ, मैं आपको एक कहानी तो बताना भूल गई, फ़ोटो फ्रेम की कहानी। एक्चुअली मैं बेड पे ही कुछ ढूंढ रही थी, तब मुझे स्टिक्स का गुच्छा मिला था, लिटरली इन मेरी स्टिक्स का गुच्छा। मैंने यूट्यूब पे बहुत डाला कि फ़ोटो फ्रेम इन स्टिक्स से, बट कोई बना ही नहीं रहा था। एंड फिर क्या हुआ कि स्टिक्स का जो गुच्छा मिला था ना, वो स्टिक बहुत पुरानी थी, तो बहुत सारी टूटी फूटी। तब मैंने सोचा था रूम ट्रांसफॉर्मेशन का, 4 महीने पहले ऐसे रैंडमली, सीरियसली। सो यार, सो अब जो हमारी सिक्स चीज़ है, इस पर मैं आपको ऐसे ही ले जाने वाली हूँ, बिकॉज ये मैं लगा चुकी हूँ। कल भी मैंने ये वीडियो शूट करी थी, बट फिर अब मुझे किसी रीज़न से वो डिलीट करनी पड़ गई, बिकॉज क्योंकि उस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐड करने मिल गई। ये हमारी सिक्स चीज, फूलों की माला जो मैं इस वॉल पे लगाने वाली हूँ, जो मैं लगा भी चुकी हूँ। सो ये फूलों की माला, नॉर्मली आप ऐसे फूल बनाओ फिर उन्हें धागे से चिपका दो, बन गई फूलों की माला। हाँ, पर एक चीज़, और ये वाले फूल फूल फ्लावर्स मैं आपको बनाना नहीं बताने वाली, वो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो ये हमारी सिक्स चीज, सिक्स नहीं सेवन सेवन। सो ये है एक फ्लोटिंग शेल्फ जो मैं अपने एक वॉल पे लगाने वाली, मैं आपको अभी नहीं बताने वाली। सो यार, फ्लोटिंग शेल्फ, अब आप सोचोगे फ्लोटिंग शेल्फ है तो उसके साथ रखने का भी। फ्लोटिंग शेल्फ पे मैं रखूँगी ये ब्यूटीफुल से जार्स। आप अगर जाम के जार्स फेंक देते हो उन्हें मत फेंकना, उन पर ऐसे पेंट कर लेना। ये सबसे छोटा जाम का जार जिस पर मैंने किया है ऑरेंज कलर, सनफ्लावर के फूल फ्लावर्स हैं इस पर। एक्चुअली मेरे पास ऐसी शीट तो है नहीं फोम की, तो ये मेरे को ना फ्लावर्स बस कबाड़ ऐसी पड़े हुए मिल गए थे बहुत पहले की बात है। बस मैंने ऐसी, मैं कबाड़ चीज़ों को भी मैं आपको कहूँगी संभाल के रख लिया करो, कभी ना कभी वो कम आई जाती हैं। एंड ये मैंने बनाया है रोजेज, रोजेज तक बनाने आते होंगे, वो सर्कल बनाओ फिर वो समझ गए ना। एंड मैंने इनकी ये भी बनाई है ये, एंड देन इस जार, ये वाला जार मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगा। देखो मैं इस पर कितना गैलेक्सी टाइप इफेक्ट आ रहा है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ना ये।
एंड जो हमारा लास्ट, और ये जार है हमारा लास्ट जार, एक सेकेंड, अरे यार इसकी डंडी ना टूट चुकी है, ये देखो ये भी अच्छा है बट ये थोड़ा सिंपल सा है, वैसे ये अच्छा है। और इसके फ्लास्क बनाए मुझे पूरे एक दिन लगा थे ये बनाने में, ये देखो ये आपको मिल जाएगा। अरे यार ये कोई बात नहीं, मैं इसे सेट कर। ही गाइस, तो मैंने टोटल में इतनी ही चीज़ें बनाई थी एंड अब वापसी का तब देखूँ जब ये सब चीज़ें मेरे रूम में लग चुकी होंगी। ओके, एंड मैं आपको लगाते हुए इसलिए दिखा सकती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और लंबी हो जाएगी इस वजह से। सो या, एंड तब तक आप कैनोपी लगाते हुए देखो मुझे। एंड हाँ, आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि मेरे रूम का लुक कैसा है, बट वो आपको ना मैं एक पूरा अच्छे से रूम टूर दूंगी अभी। ओके, गाड़ी गेट है मेरा, वो गेट है ना, अपने एंटर कर जाते हैं। आई नो ये कार्डबोर्ड गंदा लग रहा है और पीछा वादा है, तो प्लीज उन्हें इग्नोर करो। एंड ये वॉल खाली है, ये वॉल भी खाली है, मैं अभी और चीज़ें बनाने वाली हूँ, मैं और चीज़ बनाऊंगी तो अपनी अगली वीडियो में से ज़रूर दिखाऊंगी। एंड सॉरी मैं बस कोई कैमरा मैन नहीं, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ये वाली जिसमें मेरी पेंटिंग्स हैं एंड मेरी क्यूट सी फोटो, ये देखो छोटा सा फोटो फ्रेम भी। आप लोग सोचोगे मैंने दो ही पेंटिंग्स दिखाई हैं तो अब ये तीन कैसे हो गई, मतलब इतनी सारी कैसे हो गई। तो ये तीन पेंटिंग्स जो है ऑयल पेस्टल से बना रखी है मैंने, एक्चुअली मैंने नई किट ली थी तो उसी वजह से। एंड मैं ये तीन दिनों बाद शूट कर रही हूँ, सो प्लीज़ आज लास्ट डे है शूट की इस वजह से, कल मुझे डालनी है और एडिट भी करनी है। ये है मेरा कैनोपी जो मैंने अपनी मम्मी की साड़ियों से बनाया है, मेरी मम्मी की तीन सुंदर सुंदर साड़ियाँ, लोग दो साड़ियों से बनाते हैं बट मुझे पीछे भी एक साड़ी का बैकग्राउंड चाहिए बिकॉज मेरी वॉल वाइट है तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये मेरा फ्रेम, ये मेरी एक और फोटो, ये दो मास्क है। एक्चुअली आप लोग सोचोगे मैंने ये मास्क कब बनाए, ये मैंने अपने बर्थडे के लिए बनाए थे मेरे और अन्नू के, बट मैंने अभी इस वॉल पर लगा दिया, जो मैं बर्थडे आगे मैं इसे उतार लूँगा। और ये है मेरी बालकनी जिससे मुझे आती बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट, उस मुझे वीडियो बनाने बहुत आसानी होती है। ये मेरी कबर्ड, एक्चुअली अगर आपको इसको भी अच्छे से देखना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मैंने अपनी कबर्ड बहुत अच्छे से सेट कर रखी है, सब लोग बोलते हैं सच में। एंड ये क्रेयॉन्स हैक्स की पेंटिंग है जो मैंने अपने मंदिर पर रख दिया, एक्चुअली मेरे कमरे में मंदिर है तो यार। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे प्लीज़ देखना। ये फ्लोटिंग शेल्फ और ये झालर और ये के और ये बेड थोड़ा गंदा है तो प्लीज़ इग्नोर। एंड बस इतनी चीज़ें थी, सो अब मैं आपको सीधा मिलती हूँ अपने आउटरो पे, बाय। हाय, सो आई नो मैं अभी बहुत अजीब दिख रही हूँ, तीन दिन बाद शूट कर रही हूँ, लास्ट डेट है तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ गया है सबको, वही कि बाद में टालते जाओ यार, कल बना लूँगी वीडियो, कल बना लूँगी लास्ट पार्ट आउटरो और वो, बट फिर हो गया अगर मैं। सो या, एंड मैंने कैन, सो अगर आपको वीडियो पसंद लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मेन चीज़, मैंने कैनोपी जो है ना खुद से लगाया था, आपने देख लिया वो, बट आप खुद से मतलब करना क्योंकि आप गिर भी सकते हो, मुझे अपनी मम्मी को सरप्राइज करना था इसलिए मैंने उनसे लगाया था, प्लीज़ आप मत लगाना, आप गिर भी सकते हो। और मैंने कैनोपी का अंदर 7 से 8 बजे लगा लिया, आप सोचोगे क्यों गिर गया, जब मैंने पहले कैनोपी लगाया था चुनियों से कितना गंदा लग रहा है, फिर मैंने दूसरा कैनोपी लगाया साड़ियों, फिर मैंने चुनियों से उतारा, फिर लगाया कम से कम 3 बारी चुनियों से 3 बारी, और फिर मैंने ये वाला कैनोपी लगाया जो था वो चद्दर, पिंक चद्दर के ऊपर वो साड़ियाँ। सो ये अच्छे से ना साड़ियाँ ज़्यादा भारी थी तो चद्दर उड़ रही थी, प्रॉब्लम थी, फिर 2-3 बारी इसको उतारना पड़ा, और फिर मैंने जब चेंज किया ना ब्लैंकेट एक पिंक कलर का लगा दिया ताकि वो अच्छे से कैनोपी को संभाल लें। सो यार ओके, समझ आ गया ना आपको। सो ये देखो ये चद्दर, ब्लैंकेट और अब चुन्नी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, सॉरी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। एंड बाय, लव यू ऑल।